हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए, नाइन्थ क्लास हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, और मैं आपको बता दूं कि 7.2 मैंने लिख दिया था वीडियोस के अंदर, वो 7.1 है। आप लोग उसको 7.1 ही समझे, आप बुक के साथ मैच करते हो चले। अब हम 7.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। आपने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अभी तो हमने क्या पढ़ा कि SAS रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल से पढ़ लिया हमने। यहाँ पर मैं सिंगल एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, मान लो 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मान लो 5 है, तो जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल is called an isosceles triangle, ठीक है। अब इस फिगर में हमें पता है कि ए बी बराबर किसके है? ए सी के है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये क्या हो जाएगा? isosceles triangle हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, और आपके सामने ए बी बराबर ए सी के है, तो बताइए कि इस एंगल बी और एंगल सी में क्या रिलेशन हो सकता है? क्योंकि इनके सामने वाली साइड भी कैसी है? इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात हमको यहाँ पे सीखनी है, ये रूल हम यहाँ पे काम में लेंगे। भाई एंगल बी एंड एंगल सी को अगर हम मेजर करेंगे, ठीक है, मेजर करते हैं एंगल बी और एंगल सी को, तो यहां पर ये जो टर्म है सेम, हम कहते हैं कि सेम साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। सेम साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे? यहां पर इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो वही चीज हम यहां पर लेके चल रहे हैं, वही चीज हमें सीखनी है। तो एक थ्योरम हम यहां पे प्रूफ करते हैं, इसमें 7.2 थ्योरम है हमारे पास, और कहती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल जो है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इसके सामने वाला एंगल यानी कि ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल बी। ए बी सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल सी। जब ए बी बराबर ए सी के है तो एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा। ये चीज हम यहां पर प्रूफ करेंगे और ये चीज हम यहां सीख रहे हैं। तो साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रिजल्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में काम आ जाता है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहां पर हम जो प्रूफ कर रहे हैं वो तरीका बेस्ट है। ये मैंने एक डायग्राम बनाता हूं, और ये डायग्राम जो है आपका ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींच दी, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ये डी। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए बराबर ए सी के होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है इज आइसोसेलेस है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास हमें जो प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट, क्योंकि आप जो भी थ्योरम करते हो आप उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हो,
ठीक है, ऐसे नहीं कि बस थ्योरम लिखी और प्रूफ करके लिख दिया फटाफट। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए एंगल दो एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो बन रहा है बी ए डी, समझ लेते हैं हम। ठीक है, बी ए डी, और एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास सी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज इक्वल हो सकती है, तो है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, और एक है हमारे पास एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, क्योंकि ये क्या है कंस्ट्रक्शन से ये बिल्कुल मिड मिड से काट दिया है इसको। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। जो ए डी है, ए डी वो एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो और एक तो लाइन जो है ए डी वो क्या है, कॉमन हो गई दोनों में। तो इस रूल से कौन सा रूल, एस ए एस, दो तो साइड और उसके बीच का एंगल दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो एस ए एस रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो उसके जो सी पी सी टी वाले पार्ट से एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। बताओ हो गया नहीं, हो जाएगा ना। तो बस ये चीज प्रूफ करनी है हमारे को। तो देखिए जरा, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी, ए बी बराबर किसके है, ए सी के। ये चीज आपको गिवन है, दी गई है। ठीक है, ट्राइंगल बी ए डी बराबर ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए बी बराबर ए सी, ट्राइंगल बी ए डी बराबर ट्राइंगल सी ए डी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, ए डी बराबर किसके है, ए डी के। ये आपके पास है कॉमन लाइन, ये दोनों की कॉमन लाइन है। और ट्राइंगल बी ए डी, तो इससे देखो आप, ये दो साइड हो गई और इसी बीच का एंगल हो गया। तो एस ए एस रूल से, ठीक है, ट्राइंगल तो एस ए एस रूल से बाय एस ए एस रूल, तो क्या हो गया, ये बी ए डी ट्राइंगल हो गया ऐसे ऐसे रूल से, क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अभी कॉन्ग्रेंट हो गया अगर, तो इसके जो बाकी एंगल है, बाकी साइड है, सब क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल तो एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। ठीक है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल एंगल है, ये वाला जो एंगल है, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, किस रूल से होगा, ये दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल सी, क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो गई। तो अब हमसे पूछते हैं कि अगर ये एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो क्या इसका इन्वर्स भी प्रूफ होगा, इन्वर्स भी सही होगा। ठीक है, इधर इन्वर्स आल्सो ट्रू या नॉट, इन्वर्स आल्सो ट्रू, मतलब कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो उनके सामने वाली जो साइड है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मान लो ये एंगल दोनों 60 डिग्री हैं, ठीक है, तो उसके सामने वाले जो साइड है वो भी बराबर होगी, यानी ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ठीक है, ये बात फिक्स है कि अगर साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, अगर एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट वाली साइड बराबर होगी। राइट, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म है प्रॉपरली मैनेज होती है।
आपके आप में इसमें जो टर्म है समझ में आ गया कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास इसका जो अपोजिट पार्ट है वो भी ट्रू होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि दी कन्वर्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरम ऑल्सो ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं आपसे कि ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के। ठीक है, ये बात सही है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक और थ्योरम है, वो हम कर लेते हैं, थ्योरम नंबर 7.3, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है वो इस तरह से, मतलब इसको हमें क्या प्रूफ करना है, आप ध्यान से देखिए, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो वही चीज हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। इसके लिए हम देखो क्या कर रहे हैं, वो चीज हम यहां से ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल से प्रूफ है। ठीक है, थ्योरम जो हमारे 7.2 है उसे हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसी से हम इस चीज को प्रूफ कर देंगे। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो देखिए एंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो बाइसेक्टर है इसका क्या, ए डी, ए डी बाइसेक्टर है। ठीक है, टर्न ऑफ एंगल ए। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि ए बराबर ए सी है। ठीक है, तो देखिए एक तो आप बस एंगल ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, एक तो दे रखे हैं आपको कि भाई बाइसेक्टर है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी ए सी जो है बी ए डी, सॉरी बी ए डी जो है, सी नहीं बी ए डी है, वो बराबर है किसके, एंगल सी ए डी के। ठीक है, ये तो आपको गिवन है, किससे, ये बाइसेक्टर है ना, इसको दो भागों में बांट रहा है, उस हिसाब से ए 90 डिग्री का है, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, कितना है ये 90 डिग्री। ठीक है, और एक ए डी बराबर किसके है, ए डी के, ये क्या हो गया आपका कॉमन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास रूल क्या बन गया, ये दो तो एंगल और इसके बीच का की साइड, दो एंगल इसके बीच की एक साइड, इसका मतलब बाय ए एस ए रूल वी कैन से
ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ए बी डी जो एंगल है वो ए डी सी के कैसे है कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो आप देखिए बाय सीपीसीटी रूल यानी कि ए बी बराबर ए सी जो होगा वो क्या होगा, बाय सीपीसीटी रूल, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट पार्ट ही तो है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है या नहीं है बताओ, ए बी और ए सी जो है उसके वही पार्ट तो है इसका, मतलब कि जो दो ट्राइंगल है आपके पास ए बी डी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी कि बाकी बचे हुए पार्ट, एक तो ये एंगल, ठीक है, ये वाला वाली साइड, ये वाली साइड, ये सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। हम यहाँ पे और क्या क्या कह सकते हैं कि बी डी बराबर किसके है, सी डी के, ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर किसके है, एंगल सी के, क्यों, क्योंकि सब क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो बाकी बचे पार्ट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो सब इक्वल हो जाएंगे अगर दो ट्राइंगल कैसे हैं आपस में कॉन्ग्रेंट है तो, ठीक है। हमको प्रूफ हो गया कि देखो हमारे पास अपोजिट साइड यानी कि जब ये एंगल्स बराबर हैं, ये वाले एंगल्स बराबर हैं, तो इसका मतलब उसके सामने वाली जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ए बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से आपके पास टर्म प्रूफ हुई, ये दो थ्योरम है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसका इनवर्स पार्ट भी और वो पार्ट भी। तो हम आगे जो है एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ते रहिए आराम से, कोई भी दिक्कत हो तो हमको आप बताइए, हम आपके लिए रेडी हैं, यहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे तभी, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब आपको लेक्चर पहले वाले कर रहे हैं ये लेक्चर नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर दिक्कत आएगी। तो आराम से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।